वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे माय टॉपिक इज क्वाड्रेटिक लैग्रांज इंटरपोलेशन है, ठीक है। दैट इज़ ऑन द पेज नंबर, अरविंद क्रेसी की बुक है एज यू नो, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के में 799 पेज नंबर है। पहले मैंने आपको लीनियर पढ़ाया था, अब मैंने आपको अरविंद को पढ़ाने लगी हूँ और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक को पढ़ाने लगी हूँ। और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ ताकि आपको जो है ना क्लियर नज़र आ जाए। जी, ये लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन इज द इंटरपोलेशन ऑफ द गिवन एक्स नॉट एफ नॉट एक्स वन एफ वन एक्स टू एफ टू, ठीक है। इसमें तीन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बाय अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है पी टू ऑफ एक्स। इसमें कर्व्स का इस्तेमाल है, पहले वाला जो था देखें वो लीनियर स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर था, विच इज़ बाय द लैग्रांज आइडिया इज पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल नॉट ऑफ एक्स एफ नॉट प्लस एल वन ऑफ एक्स एफ वन प्लस एल टू ऑफ एक्स एफ टू। और जबकि लास्ट टाइम में जो लीनियर था वो एल नॉट प्लस एल वन ऑफ एक्स तक था, इसमें जबकि एल टू का इजाफा भी है। तो ये इसके फार्मूलाज हैं, एल नॉट ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स वन एक्स नॉट माइनस एक्स टू, इसी तरह एल वन और इसी तरह एल टू का फार्मूलाज हैं। और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी डायग्राम्स देख लें कि इसका इस तरह से होता है कि जो आपके पास है एक पॉइंट, मतलब आप उसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास है 9 है, 9.5 है और 10 है, और मतलब ये कि 11 है। मतलब यहाँ पे जो है ना, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन मैं अभी आपको पढ़ देती हूँ कि किस तरह लिखा हुआ है, फिर मैं डायग्राम बताती हूँ आपको। जी स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से है कि कंप्यूट अ 4D वैल्यू ऑफ द एल एन 9.2, यानी कंप्यूट आपने जो करनी है वो चीज़ आपके पास x है फ्रॉम एल एन ऑफ 9.9 इज इक्वल टू 2.1972। तो जो सबसे छोटा पॉइंट है वो x नॉट है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें एक एडिशनल वैल्यू एल एन ऑफ 11 डाल दी गई है। एल एन ऑफ 9.1 इज इक्वल टू 2.2513 एंड एल एन ऑफ 11.0 इज इक्वल टू 2.2379 बाय क्वाड्रेटिक लैग्रांज इंटरपोलेशन। तो आपने कंप्यूट तो वही ln ऑफ 2 ही करना है, सेम वही चीज़ है कि ये ln ऑफ x ही होगा आपने कंप्यूट करना। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू है वो ln ऑफ 9 है, ठीक है, x नॉट उसका नाम है। उससे बड़ी वाली वैल्यू जो है वो 9.5 है, x1 उसका नाम है। और जो एडिशनल वैल्यू ऐड की गई है क्वाड्रेटिक की वजह से, इसके अंदर तीन पॉइंट्स करने थे तो ln ऑफ 11 उसने कहा है, तो वो 2.3979 है। और इसके अंदर 9 के बाद है 9.2, ठीक है। वाई लैग्रांज इंटरपोलेशन में आप करेंगे डिटरमिन द एरर यूजिंग द एल एन ऑफ 9.2, सेम वही चीज़ आपने करनी है 2.21। और यहाँ पे मैं इसके बारे में आपको बता दूँ स्टूडेंट कि ये आपके पास ना क्वेश्चन है, यानी कि जो डायग्राम है उसके अंदर यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है, ज़रा क्लियर नज़र आ जाए आपको कि 9.5 10 और 11, तो आपने 9.2 जो है ना वो यहाँ पे तकरीबन आएगा जो कैलकुलेट करना है। ये इसकी इस तरह से शेप होती है, ठीक है, ये L1 और ये L0, ये L2, इसके बारे में बाइनरी रिलेशन के बारे में 01 के अंदर इस्तेमाल होगा आपका, और इसके अंदर ये पॉलीनोमियल को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मैं उसके ऊपर ही आ रही हूँ, क्वेश्चन के ऊपर ही आ रही हूँ, सेम एज इट इज़ पहले वाले लीनियर की तरीके से ही है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ को मैं वेरीफाई करूँगी। तो यहाँ पे देखें मैक्सिमम मैंने काम जो है ना थोड़ा सा कर ही दिया है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि जैसा कि पहले मैंने आपके सामने टेबल बनाया था ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे ना मैंने बना ही दिया है आपको कि जो आपने एक्स नॉट ये है, एक्स आपने कैलकुलेट ये करना है, एक्स वन ये है, और जो एक्स टू होगा वो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे टेबल उसी तरह मैंने सॉल्यूशन में कर दिया है कि कैलकुलेट जो है ना वो एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो एल एन ऑफ एक्स है, यहाँ पे एल एन ऑफ एक्स है ना, ठीक है जी, ये कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक्सपोनेंशियल लिखा होता, साइन ऑफ 9.2 लिखा, तो आपको पता चल जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स होता। हमने ये चीज़ निकालनी है, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू की वैल्यूज आ गई हैं, एल ऑफ 9.0 एल ऑफ ये एफ नॉट कहलाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट, दैट इज इक्वल टू एफ वन एंड दैट इज इक्वल टू एफ टू, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ें कहलाएंगी कि एट वन एक्स नॉट पॉइंट एक्स एट एक्स वन पॉइंट एक्स एक्स टू पॉइंट, और ये चीज़ आपको गिवन की गई है, तो ये आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट है। और उसने कहा है कि अब आप लोग खुद एल एन ऑफ 9.2 कैलकुलेट करें और वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होगा जो हम फाइंड आउट करेंगे, और उनके दरमियान में जो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट दैट इज कॉल्ड द एरर, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक लैग्रांज इंटरपोलेशन के अंदर थ्री पॉइंट्स का इस्तेमाल है बिकॉज ये कर्व कंडीशन में है, जो मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दी है। पी टू ऑफ एक्स इजिकल टू एल नॉट ऑफ एक्स एफ नॉट प्लस एल वन ऑफ एक्स एफ वन प्लस एल टू ऑफ एक्स एफ टू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट के मैंने जो है ना वैल्यूज जो है उसी तरीके से इसको पुट कर दिया। मैं ज़रा चाहती हूँ कि वर्टिकली तौर पे ना आपको पेज ताकि सारे का सारा शो हो जाए,
जी अब यहाँ पे देखें मैंने एल नॉट, एल वन और एल टू जो इसके अंदर है वो डिफरेंट वाले हैं, इसमें एक्स नॉट, एक्स वन और एक्स टू का सबका इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने ये इस्तेमाल किया है इसको जी। अब यहाँ से स्टूडेंट इसके अंदर बस वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। तो एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आती है, एक्स है आपके पास 9.2 है, एक्स आपके पास 9.2 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू है 9.0 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स टू 9.2 माइनस एक्स टू है आपके पास 11.0 ओवर एक्स वन है आपके पास, एक्स वन की वैल्यू है 9.5, अगर कोई मिस्टेक हुई तो हम देख भी लेंगे, माइनस एक्स नॉट है आपके पास 9.0 इंटू एक्स नॉट है आपके पास 9.0 माइनस एक्स टू की वैल्यू है 11, ठीक है। तो 9.2 माइनस 9 है 0.2 और ये इसको हमने माइनस किया, 9.2 माइनस 11 किया तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1.8 आ जाता है, माइनस 1.8, ठीक है ओवर। अब हमने 9.5 माइनस 9 किया है तो 0.5 और फिर इसको किया है तो ये आ जाता है, ये माइनस 11.0 है ना, तो माइनस 2.0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.8, ठीक है, इसका रिजल्ट आपके पास आ जाता है माइनस 0.36 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो ये आ जाता है आपके पास 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.36, ठीक है। पॉजिटिव में आपके पास ये रिजल्ट आ गया। और मैं यहाँ पे भी जो है एल वन ऑफ एक्स का रिजल्ट जो है वो नोट कर रही हूँ कि वो कितना आ रहा है, ठीक है 0.54 एल नॉट का रिजल्ट है स्टूडेंट। खैर मैं देख लेती हूँ, 9.2 माइनस 9.5 नहीं, एक्स माइनस एक्स नॉट नहीं है यहाँ पे, एक्स वन है, ठहरें ज़रा देख लेते हैं, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट माइनस एक्स वन स्टूडेंट, ओह हो ये मिस्टेक हो गई है, मैंने कुछ शायद अगले पॉइंट लिख लिए, चले मैं दोबारा से स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा पहले एक मिनट इसका लिख लेते हैं, एक्स माइनस एक्स वन है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं उसको देखती हूँ अभी। ये पहले एल टू मैंने निकाल दिया है और एल टू का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आता है 0.48 आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने पहले L2 का रिजल्ट निकाल दिया है, x माइनस x1 है, ठीक है L2 में x नॉट ही है, ठीक है x नॉट है सही, L2 में x माइनस x नॉट है, ठीक है और x माइनस x2 है और x1 माइनस x नॉट है और x1 माइनस x2 है, यही रिजल्ट है हमारे पास भी। अच्छा चलें देखते हैं, x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 9.2, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स वन, एक्स नॉट की वैल्यू है हमारे पास 9, ठीक है 0.2 आ गया और फिर है एक्स की वैल्यू है हमारे पास जो है 9.2 माइनस एक्स टू की वैल्यू 11 है, ठीक है शायद यहाँ मिस्टेक ना हो, 9.5 ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन है 9.5 माइनस एक्स नॉट 9.5 माइनस 9, ठीक है एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन है 9.5 माइनस 11, ये यहाँ पे मिस्टेक आई है कि एक्स वन की वैल्यू थी यहाँ पे 9.5, ठीक है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 9.5 माइनस 11 तो ये रिज़ल्ट आता है माइनस 1.5, ठीक है माइनस 1.5, ठीक है और इसको आपने मल्टीप्लाई बाय कर दिया 0.5 से तो ये रिज़ल्ट आता है 0.75। माइनस के साथ 0.36 डिवाइडेड बाय 0.75 नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया तो ये 0.48 अब सही आंसर आ गया, 0.48 आ गया आपके पास। अच्छा अब यहाँ पे इसी तरीके से सिमिलरली स्टूडेंट मैं ज़रा पहले एल नॉट की वैल्यूज बिल्कुल सही तरीके से देख लूँ, एक्स की वैल्यू है 9.2 माइनस एक्स वन की वैल्यू है 9.5, अब मैं एल नॉट निकाल रही हूँ, असल में मेरे से ना बाई मिस्टेक एल वन पहले निकल गया लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें तो हमें सारी चाहिए थी, एक्स ये और एक्स टू की वैल्यू है 11, ठीक है एक्स टू है हमारे पास 11.2
ज़ीरो, बात ठीक है। और एक्स नॉट जो है वो है हमारे पास 9.0 है, माइनस एक्स वन जो है वो है 9.5, और फिर है एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट है 9.0 माइनस 11.0, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास माइनस 0.3, और ये है 9.2 माइनस 11 जो है वो है माइनस 1.8 ओवर 9.9 माइनस 9.5 माइनस 0.5, और ये है आपके पास माइनस 2.0, 0.3 इंटू 1.8 0.54 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.51, तो ये आपके पास आ जाता है 0.54, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट के ये रिज़ल्ट हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से देखें कि L2 की वैल्यूज़ है, x की वैल्यू हमने पुट की 9.2 माइनस x नॉट की वैल्यू है 9.0, और x माइनस x1 है, x है हमारे पास 9.2 माइनस x1 जो है वो हमारे पास है 9.5, ठीक है। ओवर अगर अभी कोई मिस्टेक हुई तो वो भी पता चल जाएगी, 11, x2 है 11 माइनस x0 है 9, ठीक है। फिर है x2 माइनस x1, 11 माइनस 9.5, कैलकुलेट की होंगी वैल्यूज़ यहाँ पे, मतलब 0.2 और ये माइनस 0.3 ओवर 2.0, और यहाँ पे आ जाता है माइनस 1.5, पॉजिटिव 1.5 मेरा ख्याल है, हाँ जी ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये सिर्फ अकेली एक वैल्यू नेगेटिव आई है। अच्छा जी, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 0.06 ओवर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 0.06 डिवाइडेड बाय 3 0.02 माइनस 0.02, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ना इनको चार 4-4 डी एक्यूरेसी बनाने के लिए ना 4-4 ज़ीरोस कर देती हूँ, डिजिट्स कर देती हूँ, तो वो एंड पे मैंने ज़ीरोस लगा दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक लग्रांज इंटरपोलेशन है, उसको निकाल लिखना है मैंने। क्वाड्रेटिक लग्रांज इंटरपोलेशन दैट इज इक्वल टू पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल नॉट ऑफ एक्स एफ नॉट प्लस एल वन ऑफ एक्स एफ वन प्लस एल टू ऑफ एक्स एफ टू, ठीक है। तो अब एट एक्स पे है ना ये, मतलब एल एन ऑफ 9.2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एल नॉट की वैल्यू देखें वो हमारे पास है 0.54, और एफ नॉट की जो वैल्यू है ना वो आपके पास है 2.1972 प्लस एल वन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.48, तो F1 जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2.2513 प्लस L2 की वैल्यू है माइनस 0.0200, और F2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है F2 की वैल्यू स्टूडेंट 2.2379 79, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो इसका ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं ना रिज़ल्ट हम, ठीक है, तो हम स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, तो अच्छा जी उसने कैलकुलेटेशन में डायरेक्ट ही लिख दिया है। अच्छा जी, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे, 0.454 मल्टीप्लाई बाय 2.1972, तो ये आ जाता है 1.1864, ठीक है, मैं चार डिजिट्स तक लिख रही हूँ। अच्छा, अब अगला देखें, प्लस 0.48 मल्टीप्लाई बाय 2.2513, तो ये आ जाता है 1.08062, चार डिजिट्स लिखने थे चलें यहाँ तक, माइनस 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2.2379, तो 0.0447, ठीक है, तो 1.18
सिक्स फोर प्लस 1.0806 माइनस 0.0447। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 2.2322। ठीक है, ये आपके पास है ln ऑफ 9.2 का रिजल्ट आया, ये आपके पास आया स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। अच्छा, अब मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एरर निकालना है मेरे पास। उसमें ना ये राइट साइड पे वो उसकी जगह नहीं बची है, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करने लगे हैं कि मैं एक दफ़ा आपको ये पूरा पेज इस तरह से दिखा दूँ, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं कि एरर निकालने लगे, ठीक है। तो एरर के लिए जो उसने कहा था ना डिटरमाइन द एरर, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास स्टूडेंट ये गिवन है, जो कि क्वेश्चन के अंदर भी उसने गिवन की हुई थी, ठीक है, 4D एक्यूरेसी, वो हमने लिखी 2.2192 माइनस 2.2223। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं, साइन डिफरेंट आएगा, 2.2192 जी, ये भी ये आया है 0.0031। ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक के अंदर जो है ना वो स्टूडेंट आता है रिजल्ट इसका। ये मैंने आपको ना यहाँ से ओवरऑल में करके दिखा दिया, लेकिन इसका मैंने अभी तक ना कंक्लूजन नहीं दिया आपको। यहाँ पे हम कंप्यूट नहीं कर सके, यहाँ पे 2D एक्यूरेसी आपके पास रिजल्ट आया है, और मैं बुक का भी देख रही हूँ कि उनका रिजल्ट जी उन्होंने शायद कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ, शायद किया हो। चले खैर, हमारे पास जो है ना 2D एक्यूरेसी आया, ठीक है, हम यहाँ पे कंक्लूजन देंगे। दिस रिजल्ट इज नॉट सफिशेंट और वी फेल टू फाइंड द 4D एक्यूरेसी सफिशेंट फॉर 4D एक्यूरेसी। ये 2D के लिए सही है, इट इज सफिशेंट फॉर, जी छोटा छोटा करके आखिरकार एक सफ़े पे आ ही गया, ठीक है, पॉइंट के बाद ना ये है, तो 2D एक्यूरेसी इसको हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप ज़रा देख लें स्टूडेंट के हमने कैसे वो टेबल जनरेट किया था, बाद में हमने उसकी ये है और इसमें लग्रांज डिफरेंट वाले हैं, ठीक है, और फिर क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई किया है, जो रिजल्ट हमारे पास आया उसको हमने अप्रॉक्सीमेट कहा है, जो बुक वालों ने दिया हुआ था वो एग्जैक्ट था, उनके दरमियान डिफरेंस निकाला है। इसको हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट द आइट्रेटिव स्कीम। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, कमेंट ऑन माई चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। ओके, थैंक यू सो मच।